نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم बुजुर्गान मोहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से हमें अपनी पूरी ज़िंदगी किस करीने और तरीक़े से गुजारनी चाहिए ये सब कुछ सिखाया और ये अनमोल ज़ाब्ते और तरीक़े आप हम सबको तकसीम किए। अल्लाह ताला हमें अपने दीन शरीयत मज़हब की भरपूर कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाएं। सही बात अगर देखी जाए तो भाइयों आपने देखा होगा कि दीगर जितनी मखलूकात है आप पूरे जानवरों में देखो उनमें कोई माँ अपने बच्चे को ना तो खाना सिखाती है ना पीना सिखाती है और ना ही रहना सिखाती है। अल्लाह ताला ने उन मखलूकात में शऊर अपने तौर पर अता फरमा दिया है। चुनाचे बच्चा पैदा होते ही वो अपनी ग़िज़ा अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो जान जाता है सीख लेता है। आपने बारहा गौर किया होगा सारे जानवरों में यही तरतीब और यही तरीक़ा है। वो अपने तौर पर अपनी सारी तरतीबात और तरीक़े जान लेते हैं समझ लेते हैं। लेकिन आपने अशरफुल मखलूक को देखा इंसान को देखा कि इसमें पैदा होते ही अपना शऊर खुद से पैदा नहीं होता है ना ये खुद से खा पी सकता है ना पहन ओढ़ सकता है ना खुद से रह सकता है। इसे सब सिखाना पड़ता है कैसे खाओ कैसे पियो कैसे पहनो कैसे ओढ़ो कैसे रहो सर्दी में कैसे रहो गर्मी में कैसे रहो ज़रूरत पड़े गुस्ल कैसे करो एक एक चीज़ इसे सिखानी पड़ती है। अल्लाह ताला ने ये शऊर उसको पैदा होने के बाद फौरन नहीं आता फरमाया है ये सिखाना पड़ता है। जब माँ पैदा होने से उसको सिखाना शुरू करती है तो एक मुद्दत के बाद वो बच्चे में खुद शऊर पैदा होता है और जब शऊर पैदा होता है तो अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करने लगता है। ये आपने इसके हज़ारों लाखों मिसालें देखी। अगर आप ये बात समझें तो अब ये बात समझिए कि जिस तरह से पैदा होने वाले बच्चे को किस तरह से खाना चाहिए पीना चाहिए पहनना चाहिए ओढ़ना चाहिए रहना चाहिए नहाना चाहिए ये सारी चीज़ें उसे सिखानी पड़ती है तो बेशऊर बच्चे को शऊर वाली माँ सिखाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए बेशऊर बच्चे को शऊर वाली माँ सिखाती है और शऊर वाली माँ को कि वो बच्चे को कैसा खाना सिखाए कैसा पीना सिखाए कैसा रहना सिखाए कैसे ओढ़ना पहनना सिखाए ये सारी के सारी चीज़ें ये शऊर वाली माँ को सबसे ज़्यादा बाशऊर इंसानियत हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। आपने जैसा सिखाया सिखाया है बाज़ब्ता सिखाया एक माँ ने अपने बच्चे को किस तरीके से दूध पिलाना चाहिए कैसे कपड़े कैसे पहनाना चाहिए सुलाना कैसे चाहिए ये बच्चों के हकूक़ और तरतीब किस तरह अंजाम देनी चाहिए ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हर माँ को सिखाया। तो बात वहीं पर आती है कि जितने एहसानात हमारे माँ के हम पर है कि माँ ने ये सब चीज़ें हमको सिखाई
उससे करोड़ों दर्जे ज़्यादा एहसानात हम पर हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है कि उन्होंने तो हमारे माओं को भी सिखाया है। माओं को भी सिखाया है और फिर वहाँ से ही सिखाया है, पैदाइश हो तो तुम्हारे बच्चों की कैसी, बच्चों के लिए इब्तदाई क्या सुन्नतें अदा की जाए, तो पैदाइश की सुन्नतें सिखाई गई। आप दूसरी कौमों को देखेंगे भाइयों, उनके पास सिवाय वहम परस्ती के चार औरतों ने तय की हुई बातें, चार मर्दों ने, चार औरतों ने, बहुत से बहुत उनके राजा महाराजाओं ने बोली हुई बातें, बस आप इस हकीकत को अगर देखेंगे तो आगे इसका आपको कहीं जोड़ और सिलसिला नज़र नहीं आएगा। हमारा सिलसिला हमको किसने सिखाया, हमारी माँ ने, माओं को किसने सिखाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने, पैगंबर को किसने सिखाया, अल्लाह ने, हमारी पूरी सिलसिला चलता है वहाँ तक चलता है, अल्लाह से हमारा ये इसी को कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाई हम जो है अल्लाह और रसूलुल्लाह इनसे जुड़े रहें, हमारी ज़िंदगी कामयाब बाप। और कौमों को आप देखेंगे तो वो किसी से जुड़ी हुई नहीं है, वहम सारी चीज़ें आप देखें, उनके पास इतने वहम है, इतनी बातें हैं, बात बात में डर है, खौफ है, उन्होंने बात बात में वहम को लगाया है, बच्चों के लिए नए नए चीज़ें, पूजा पाठ, बच्चे पैदा होते ही आप देखेंगे वो कुछ चीज़ें घूमती फिरती रहती है, ऐसे चीज़ों में वो अपने बच्चों को पैदाइश से ही वो कहेगी और चीज़ों की पूजा पाठ सिखाते हैं, वहाँ झुकना सिखाते हैं, वहाँ रखना सिखाते हैं। फिर आप देखेंगे उनके पास हर जगह कहीं नारियल, कहीं सिंदूर, कहीं वो पत्थर और अगरबत्तियाँ और मालूम नहीं क्या 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 क्या। एक गैर मुस्लिम यहाँ पर मस्जिद में आए थे, यहाँ तक आने का उनको मौका दिया गया और वो यहीं जाए नमाज पर बैठे, और बैठकर उन्होंने खुद ये जुमला कहा कि अजीब बात है, हम हमारे यहाँ मंदिरों में देखते हैं ऐसा सुकून और ऐसी सफाई हमको कब नसीब होना। ये वो हिंदू गैर मुस्लिम के जुमले यहीं पर बैठे बैठे थे, ऐसा सुकून और ऐसी सफाई हमको मंदिर में कब नसीब होना, ये उसके जुमले थे। कितना साफ शफाफ और सुकून मालूम होता है, यानी यही चीज़ हमारे घरों में भी है। ये और बात है कि बहुत से घरों में भी अब लोगों ने वहम गैर मुस्लिमों की उठक बैठक की नहुसतों से कई जगह आपने देखा होगा, उनके पास भी ऐसी बातें आई, उन्होंने भी अपने घरों में वो कई चीज़ें टांगने शुरू कर दी, वो नारियल वारियल की शक्ल में, किसी की नज़र न लगे किसी के, ये इससे हमारा क्या हो सकता है, न टांगने से, न रखने से, न ऐसे मन्नत मुरादे मांगने से। हमारे अल्लाह ने हमें अपने पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से सब कुछ सिखा दिया है, हम उस पर चले बस बात ख़त्म हो गई, कोई चीज़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये छोटे छोटे बच्चों को कहा गया है कि अगर बात लगे कि इसे नज़र लगेगी, किसी की नज़र लगेगी और इस पर कोई असरात होंगे, ये बच्चा कुछ उल्टा सीधा बन जाएगा, फौरन अल्लाह के रसूल ने वही इलाज फरमा दिया ऐसे मासूम मासूम बच्चों के लिए। उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक, ये हदीस पाक में हज़रात हसनैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मनकूल है। उईज़ुकुमा, हदीस में ये अल्फाज आए हैं, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक, ए हसन और हुसैन तुम दोनों को मैं उन तमाम मखलूक के शर से अल्लाह की पनाह में देता हूँ जिसको अल्लाह ने पैदा फरमाया। यह हदीस, ये और बात है कि अपने में से शायद इक्के दुक्के को याद होंगी जो ये दुआ पढ़ता हो। अब जब हम वो तालीमात पर अमल नहीं करेंगे तो फिर ये ऐसे कद्दू नारियलों के पीछे नहीं तो और कहाँ फिरेंगे। भाई हमको कहीं बेयारो मददगार छोड़ा ही नहीं गया, माँ ने इतना नहीं दिया जितना पैगंबर रसूलुल्लाह ने हमें दिया है।
मामूली एहसानात नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि किसी बच्चे पर अगर ये दुआ पर दम कर दी जाए, हर वक्त चाहे कुछ हो जाए, जो माँ बाप उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक, अगर ये पढ़कर बच्चे पर दम किया जाए, फूंक दिया जाए, वो बच्चे को इंशाअल्लाह कुछ असर नहीं होगा किसी बात का, हत्ता के कीड़े मकोड़े भी डस नहीं सकेंगे। जिन्ना शयातीन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि उसको किसके हिफाजत में दिया गया, बोलो अल्लाह की। उईज़ु कभी कलिमातिल्लाहि तामात, अल्लाह के मुकम्मल कलीमों के जरिए से इसे पनाह में दिया गया है। मिन शर्रि मा खलक, उन तमाम मखलूक के शर से जो अल्लाह ने पैदा फरमाई। उईज़ु कभी कलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक। बाप बनने का तो बहुत शौक है लोगों को, माँ बनने का शौक है, लेकिन किसके पनाह में रखना चाहिए यह हमें मालूम नहीं है। न ये तरतीबात आती है, न ये तरीके जानते हैं, न ये अंदाज मालूम है, लेकिन हमें कहीं बेयारों मददगार नहीं छोड़ा गया है। इसीलिए पैदाइश से तरीके बताए गए। बच्चा हो हमारे यहाँ, पैदा होते ही हुक्म दिया गया है, पहले सबसे पहले बच्चे को गुसल दे दो। बच्चा किसी के यहाँ कहीं हो, उसे गुसल देने का हुक्म दिया गया है। पहले बच्चे को पाक साफ करो, क्योंकि गंदी रुतूबत उसके बदन में लगी हुई है नापाक, इसलिए इसे पाक साफ कर दिया जाए। अब बच्चा पाक साफ हो गया, बस उस पर अब अल्लाह का नाम पढ़ा जाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सीधे कान में अजान कहो, बाएं कान में तकबीर बोलो, जैसे अपनी जमात खड़े होते वक्त नमाज से पहले 15 मिनट पहले अजान होती है, जमात खड़े होने के वक्त तकबीर होती है, तो उसके सीधे कान में अजान और बाएं कान में इकामत तकबीर कहो, ये हुक्म है। फिर इसके बाद अभी बच्चा माँ के गोद में जाने से पहले कोई अगर अल्लाह वाला है आपके इलाके में, आलिम हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, नेक सालिह शख्सियत है, बस उनके खिदमत में जाओ और खजूर चबा के लाओ, और ये खजूर चबा कर उनका थूक मिला हुआ ये मीठी चीज़ ये बच्चे को चटाते रहो। इसे बोलते हैं तहनीक करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपकी खिदमत में ऐसे बच्चे लाए जाते थे और आप ऐसी तहनीक कराते थे, और तहनीक कराकर बच्चों को अपने घरों पर रवाना किया जाता था। तो वो बच्चे को जब ये थूक मिला, सबसे पहली चीज़ जो बच्चे के पेट में गई वो किसी अल्लाह वाले का थूक चला गया, उसके बाद माँ का दूध, पहले ये चीज़ और फिर अल्लाह वाले किया, ये थूक जाने के बाद उसके माँ का दूध, फिर नंबर दो पर अब सिलसिला चलता रहे, इंशाअल्लाह ये बच्चा मौत तक फिर अब कभी बहकेगा नहीं, भटकेगा नहीं, इसके ज़बान पर गीबत नहीं आएगी, चुगलियाँ नहीं आएगी, गालियाँ नहीं आएगी, और नाज़ेब अल्फाज इसके ज़बान से नहीं निकलेंगे, क्योंकि किसी अल्लाह वाले की ज़बान इसकी ज़बान बन गई है। ये प्यारे रसूल ने यह तरीक़ा बताया, आप ऐसा करते थे। तो बात आज जो मौजू अर्ज़ किया जा रहा था, जैसे सुन्नतों की बातें आई थी, तो बात ये है भाई, जो कभी भी यानी देखो ना आप, पैदाइश का दिन भी ऐसा खाली नहीं है जिसमें हमें उंगली पकड़ के गोया चलाया ना गया। अजीब बात है कि सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद हम भिखारी बनते चले जा रहे हैं, दूसरों के सामने दामन पसार रहे हैं, तुम्हारा तरीक़ा दो, तुम्हारा दो, तुम्हारा दो, ये कितना अच्छा दिखता है, ये कैसा तरीक़ा दिखता है, बोल के सब तबाही बर्बादी मच रही है। नूरानियतों से और सीरत से हमारी ज़िंदगियाँ खाली होती चली जा रही हैं, वो कैफियात अब हमारे यहाँ बाकी नहीं रही है, बच नहीं रही है, जो मतलूब है और मकसूद है। कभी भी भाइयों हमें किसी के सामने दामन पसारने की ज़रूरत नहीं, हमारी चाहे पैदाइश हो, खुशी हो, गमी हो, मौत हो, मौत से पहले हो या मौत के बाद हो, किस वक्त कब क्या कैसे करना चाहिए हमें सब बता दिया गया है। बच्चे को तो ये बताया गया, अपने को खुद बताया गया, कपड़े पहनना है, कपड़े पहनना है तो हमें कहा गया, दूसरे कौमों को मत देखो, तुमको खुद कपड़े पहनकर खुद अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि कपड़े कैसे पहनो, पहनकर बताया, कपड़े पहनकर बताया, खाना खाकर बताया है, सोना सोकर बताया है, सफ़र सफ़र करके बताया है, पानी पीकर बताया है, बीवियों के साथ रहकर बताया है, अपने वालों के साथ अपने अंदाज से और लोगों के साथ उनके एतबार से रहकर बता दिया गया है। कोई अमल ऐसा नहीं है, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर थी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सिर्फ 23 साल में अल्लाह के रसूल ने अपने ज़िंदगी में वो सब कुछ करके बताया है जो क़यामत तक इंसानों के साथ पेश आ सकता है, इसमें कोई शुबा नहीं। वो सब कुछ करके बताया है जो क़यामत तक आने वाले इंसानों को पेश आ सकता है। कोई कहे कि अब ये काम मुझे करना है, कैसा करूं, तो इसे मजबूर माजूर नहीं छोड़ा गया, वैसा कर जैसा तेरे पैगंबर ने करके बताया है। कुरान हदीस टटोलेंगे सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। बहकने की भटकने की कतान जरूरत नहीं है। अब बात क्या हो रही, घर में हमने ये तरीके नहीं लिए, ये आप खुलासा समझिए इसका, हमने ये तरीके नहीं लिए, बड़े और माँ बाप ये तरीके नहीं अपना रहे जो पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, उसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बसर की जा रही। नतीजा ये निकल रहा है कि हमारे नौजवान बच्चे खुद भी उचक्के बनकर, उचक्कों के तरीके ले लेकर अपनी ज़ात में और अपने घरों में दाखिल करते रहते हैं। यही हो रहा है। आप देखिए कितने नौजवान हैं, आप उनका लिबास देखिए, सर पे टोपी का तो ये तो गनीमत है कि कभी नमाज की तौफीक हो गई तो हो गई, वो भी मस्जिद वालों ने एहसान कर दिया कि वहाँ पर किसी ने चंदे उंदे करके ला के रख दी गए तो ये कहीं से पहन लेते हैं, वरना खुद की टोपी तो नसीब नहीं, वो तो बात नहीं। रहा मसला लिबास का, अब लिबास देखिए आप कैसा है, शर्ट कैसा है, पाजामा कैसा है। आजकल तो रात के सोने के लिबास और 24 घंटे घूमने फिरने के और बड़ों में छोटों में रहने में अब कोई फ़र्क ही वाकई नहीं रहा है, नंगे खुले होते चले जा रहे हैं, शर्म नहीं रही, हया नहीं रहा। औरतों में कैसा बैठना है, यहाँ जहाँ बैठे वहाँ मेरी माँ है, वहाँ मेरी बहन है, वहाँ मेरी बेटी है, जवान जवान है, उनके सामने ऐसे लिबास में बैठे हैं, अल्लाह अकबर, कोई उनको अहमियत नहीं है कि ये सब गैरों की नक्काली। यहूदियत, ईसाइयत और मुशरिकीन की दैन है जो भीख मांग मांग कर ये ला रहा है, बदन पर भी और अपने घरों में भी चश्मा करता चला जा रहा है। क्यों? चूंकि इसे खुद बादशाह बनाया गया था, लेकिन इतना अंधाधुंध बना कि अपनी तो दौलत इस्तेमाल नहीं कर सका, दूसरों का भिखारी बनकर गैरों की नक्काली करता हुआ फिर रहा है, अपने घरों में वही तौर तरीके दाखिल करता चला जा रहा है। आप नौजवानों को आम तौर पर देखिए, वो क्या पहने, टी शर्ट क्या पहने, जर्सी पैंट, अजीब। ये बड़े बड़े शहरों में तो अब तो मालूम हुआ सब लड़कियां भी पहन रही है, हमें दूसरे मजहब वाले पहन रहे हैं उनके पहनने पर भी इश्काल है, छे जाए कि मुसलमान बच्चियां भी पहन रही है, बुरका तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्यों हुआ, क्यों हुआ? बात ये हुई कि माँ बाप ने, जो हमारे माँ बाप ने पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दौलत दी थी उसे लेने की कोशिश नहीं किए, खुद ने कोशिश नहीं की तो औलाद को तबाही बर्बादी के दहानों पर ले जाकर उन्होंने छोड़ दिया, चुराची वही नक्कालियाँ वो करते फिर रहे हैं। मालूम नहीं ऐसे चुस्त तंग लिबास पहनते हैं ये कैसे बैठते होंगे खाना खाने को, ये ज़रूरत कैसी पूरी करते होंगे, ये बदन पर मालूम नहीं इनका खून वून किस तरीके से वो एक दौरान करता होगा, बदन ऐसे सब चुस्त लिबास, लड़कियों के तो मर्दों से ज़्यादा और मर्दों के भी अजीब अजीब लिबास पहने हुए हैं।
अब ये जितने दिन ये कपड़े पहनेंगे, या तो इससे यहूदी खुश हो रहे हैं, या इससे ईसाई खुश हो रहे हैं, या इससे मुशरिकीन खुश हो रहे हैं, ये तय है। इससे अल्लाह रसूल तो खुश नहीं हो रहे हैं। जब खुश नहीं हो रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब खुश नहीं हो रहे हैं तो ये जब तक इसके बदन पर ये लिबास इस हालत का रहेगा, तब तक अल्लाह रसूल की नाराज़गी ये मोल लेकर अपने बदन पर फिट करता रहेगा। अल्लाह रसूल इससे कभी खुश नहीं होंगे। अब इसमें बोलने की क्या बात है, अपने में कितनों के बेटे हैं, अपनी बेटियां हैं, कितनों के रिश्तेदार हैं, कितने ऐसे अजीज हैं जो ऐसे लिबासों में मुब्तला है। उन्हें कोई फिक्र नहीं, डर नहीं, खौफ नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं है कि हमारे हम अच्छा बात यह है कि कोई इसको गुनाह भी नहीं समझ रहा है। अफसोस तो उस पर है कि कोई इस गुनाह को गुनाह समझने के लिए तैयार नहीं, हालांकि ऐसा करना ये गुनाह तक ले जाने वाला है। अब तो नमाजें भी उसी हालत में पढ़ रहे हैं, और वो लिबास जब पहनते हैं मस्जिदों में तो आने का रुकू सजदा करना चुके तरतीब बनती नहीं। आपने देखा होगा ऐसे पैंट वैंट पहनने वाले जो ऐसे चुस्त और तंग पहनते हैं, आप कभी मौका मिलता है ये रुकू में चले जाएं तो सारा पाजा पीठ के तरफ से हिस्सा जो होता है वो पूरा नीचे खसक जाता है। कब्रस्तान में कहीं कब्रें खोदने की मिट्टी डालने की नौबत आती है, अल्लाहू अकबर, शर्म के मारे मालूम नहीं कहाँ देखना समझ में नहीं आता है कि ये क्या कर रहे हैं। आपने बारहा ऐसे मंजर देखे होंगे कि इन्होंने पैंट पहनकर खिदमत का तो जज्बा लेके बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन ये सारे सुन्नत शरीयत के खिलाफ होकर यहूदी और ईसाईयत का लिबास ओढ़कर कब्रस्तान में कब्र खोद रहा है, और इसका सारा सतर सारे लोग देख रहे हैं। उसे चूंकि पता नहीं, धुन में रहता है, उसे पता नहीं रहता है, लेकिन शर्म के मारे सबकी निगाह झुक जाती है ऐसे मौके पर। आपने बारहा ऐसे मंजर देखे होंगे, ऐसे लिबास पहने जा रहे। क्यों हुआ ये? उचक्कों के तरीके देखता रहा और वही तरतीबात अपने जिंदगी में अपनाता रहा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके सुन्नते इसे मालूम नहीं है, इसलिए ऐसे ही लिबास पहनकर वो अपनी तरतीबात बनाता रहा। अब ये अगर ये तरतीबात, और अफसोस इस वक्त है जैसे अभी जुमला कहा, न माँ कभी इस पर कुछ कहती है न बाप। कितने कितने पैसे अब्बा ने उनको दिए हैं कि हाँ ठीक है वो जर्सी ही लाना, वो वैसी लाना, वो फला दुकान पे जाके लाना, वहाँ मिलती है, वो वहाँ पर ऐसे नए नए नक्शे हैं, नए नए तरतीबात हैं। ऐसा होता है, हमको भी बहुत सारे लोग ले जाते हैं कि बस यहाँ दुआ करें, इफ्तिताह करें। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी ऐसा मामला रहा हमने ज़रूर वहाँ दुआ के लिए गए हैं, लेकिन उनको तंबीह करके कि देखिए लिबास आप ये समझ के कि आपके कम से कम मुसलमान भाइयों, इस्लामी भाइयों के जैसे लिबास है आपके दुकान में, आप ऐसे लिबास ला कर भी रखिए। ठीक है दुकानें हर तरह के हर जगह के लोग आते हैं आपके पास, लेकिन आपके पास कपड़े और लिबास होने चाहिए, इस्लामी लिबास भी आप रखिए ताकि आप बोल सके बता सके कि मुसलमानों के लिए हमने ये लिबास ला के रखा हुआ है। तो बात यह अर्ज की जा रही थी कि भाइयों आज हमने समझा ही नहीं है दीन शरीयत, बहुत सारे ऐसे ऐसे अहवाल है, अफसोस होता है कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है। आप देखिए ना, अभी बताया हक को तो हुक्म ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाए, पैदा होने के बाद सातवें दिन बच्चे का अकीदा किया जाए, और अकीदे में उसके बाल जो है सर के इसको साफ किए जाए, बालों की सफाई करने का हुक्म है। अब आप अंदाज़ा लगाइए जो शरीयत ने, जो पैगंबर ने पैदा होने के बाद बालों का इतना ख्याल फरमाया है, ये जब बड़ा होता है तो अब तो टीवी टेलीविज़न की ज़रूरत नहीं, खुद के पास जो मोबाइल है इसमें देख रहा, फैशन सबसे अच्छा कहाँ आया, वो उसमें कहीं ऐसी तस्वीरें लगी हुई है कई जगह, तो कई जगह तो उसको चश्मा करके लगाया गया है, मालूम नहीं कौन शख्स होगा, और वो अपने आप को जो बता रहा है अपनी तस्वीर में मुसलमान बता रहा है, उसने बाल ऐसे किया है, पूरे बाल ये बीच में गए, इतना पूरा ऊपर जितना हिस्सा होता है ये पूरे ऊपर, यहाँ के पूरे बाल साफ़,
ये साहब रहा मसला दाढ़ी का, तो इसको भी पूरी तरह छान दिया है, ऐसे बिल्कुल ऐसे लगे कि वो पाव पाव इंच, आधा इंच भी नहीं, पाव पाव इंच दाढ़ी के बाल, और सर के बाल, तो सर के बाल यहाँ कान कनपट्टी के पास के और दाढ़ी के बराबर करके रखे हुए, और सर के ऊपर के बाल तो बिल्कुल ऐसे खड़े। आपको बताया था गुज़िश्ता भी कि ये तरतीब अगर आपको देखनी है कि खड़े बाल जानवरों में किसके होते हैं, ऐसे खड़े बाल जो है आप कंधे के पास देखेंगे तो सुअरों के बाल ऐसे खड़े रहते हैं। आप देखिए आपको पता चलेगा, उनके बाल वहाँ खड़े रहेंगे और पीठ पर बिछे हुए रहेंगे। बस इन्होंने कहा कि नहीं, सुअर के जैसे बाल रखना पसंद है, पैगंबर के जैसे रखना पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? कि वो तरीका ईसाई और यहूदी और मुशरिकीन अपना रहे हैं, हमें मुसलमानों से क्या लेना देना। बस फैशन, कितने नौजवान इसमें तबाह बर्बाद हो रहे हैं। अभी अभी तो देखा कि कई नौजवानों के बारे में, भाई ठीक है कोई बूढ़े हैं, कोई नौजवान है, अधेड़ उम्र है, और उन्होंने मेहंदी वहंदी अपनी दाढ़ी को लगा रहे हैं, सर के बालों को लगा रहे हैं। अब तो मालूम हुआ मेहंदी वहंदी की ज़रूरत ही नहीं रही है। ये तो ठीक है, मसनून अमल है, कोई अगर दाढ़ी को मेहंदी लगाए, लगाना चाहिए सफ़ेद बाल होने के बाद, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि सर के बाल मेहंदी से ज़्यादा वो ऐसे लाल बना दिए जा रहे हैं, नौजवानों में फैशन बन गया है, नौजवानों का फैशन, बाल बहुत अच्छे नज़र आते बोल के ऐसे बाल बनाते फिर रहे हैं। मालूम नहीं क्या 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 हो रहा है। वो बालों पर अगर पपड़ी उपड़ी आती होंगी, वो अगर ऐसे कलर के जैसे दी हुई, तो इससे न गुसल सही होता है न वुज़ू सही होती है, और जब ये नहीं तो नमाज भी सही नहीं होगी, और मर गए तो मैयत का गुसल भी सही नहीं होगा, और जब मैयत का गुसल सही नहीं तो नमाज जनाजा भी सही नहीं होगी। बोलो आप क्या बोलेंगे? अगर उस पर पपड़ी रहती है, वो जो लाल बाल कर रहे हैं कलर वाले बच्चों के जवानों के आम तौर पर, आप समझ गए होंगे उसे क्या बोलते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि उसमें क्या तरतीबात है। अगर उसमें पपड़ी आती है तो फिर उससे तो वुज़ू गुसल ही सही नहीं होता है, जो वो भीगने से माने बनता है। और अगर वो उसी बाल का हिस्सा बन गया तब भी ये फैशन है, जो जाहिर है कि सही अमल नहीं है, बिल्कुल सही नहीं, लेकिन एक आम मामूल बना हुआ है और लोग इस तरह के फैशन इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंतहाई गलत और घटिया तरीका है। भाइयों, गुनाह को गुनाह समझिए, बुराई को बुराई समझिए, मकरूह को मकरूह समझिए, नापसंदीदा चीज़ों को नापसंदीदा चीज़ यकीन कीजिए, और बचने बचाने की फिक्र भी करते रहिए। अब ऐसी बातें आ भी गई तो हम बाद में तबसरा करते हैं, वाकई देखो ना लोग कैसा कर रहे हैं। अपने को इस वक्त ये सोचना चाहिए लोग क्या कर रहे हैं वो जाने, मेरे घर में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे घर में क्या हो रहा है, मुझे मेरी इस्लाह करना है, मेरे घर वालों की इस्लाह करना है। हर शख्स अगर अपनी इस्लाह की फिक्र करता रहा, सारा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा करता कौन है, सब अजीब अजीब तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिससे भाइयों दीन शरीयत इस्लाम की छवि बिगड़ कर सामने आ रही है। हमको तो बिल्कुल भाइयों तरीका दिया गया, हमें माजूर नहीं छोड़ा गया, मजबूर नहीं छोड़ा गया, हमें भिखारी नहीं बनाया गया, हमें किसी का मोहताज नहीं बनाया गया, ज़र्रा बराबर भी नहीं। हर हर चीज़ आप हैरत करेंगे, इस्लाम में शरीयत में थूकना कैसा चाहिए, थूकने का तरीका भी हदीस में फरमाया गया है। थूकना कहाँ थूकना चाहिए ये भी बताया गया है, कैसा थूकना चाहिए। हदीस शरीफ में है कि जब तुम रास्ते से चल रहे हो, तुमको थूक आ जाए तो एक साइड में हो और इस तरह से अपना मुंह पर हाथ रखो, और अब जो थूको तो सीधे तरफ मत थूको, क़िबले की तरफ रुख कर, देखो 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 ये थूकने का तरीका, आपने पेशाब पाखाने के तरीके पढ़ लिए सुन लिए, थूकने का तरीका ये है कि आप थूकते वक्त अपने सीधे तरफ मत थूको, क़िबले की तरफ रुख कर मत थूको,
किसी के सामने ऐसा मत थूको कि उसे कराहत महसूस हो रही हो। ये थूकने के आदाब है। जिस नबी पैगंबर ने थूकने का तरीका बताया है तो फिर मरने जीने और जिंदगी के आप अंदाजा लगाइए कैसी कैसी तालीमात दी गई हो। ऐसी मिसाल कहीं पेश हो मिल सकती है। अमल की जरूरत है हमको भाइयों, कहीं मजबूर माजूर नहीं छोड़ा गया, कहीं नहीं, हर जगह तालीमा और अकवाम की तरह वहम परस्त हमें कहीं नहीं रखा गया है। इसीलिए तो बात अर्ज कर रहा था, तौहीदी मिजाज हमारा बचपन से हो, और तौहीद पैदाइश के वक्त ही सिखाई गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके। तो सीरत की किताबों में ये बात है कि बच्चा पैदा है होते ही, उसे पैदा होते ही जब बच्चा पैदा हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, यानी हुजूर के ख़ानदान की घर वालों की मोहब्बत सिखाओ, सहाबा की मोहब्बत सिखाओ, पैदा होते ही इनकी मोहब्बत। क्यों? इसलिए कि इसे ज़िंदगी भर जो इन्होंने किया वही करते रहना है। ये नुक्ता निकला इसमें, अल्लाह के रसूल की, आपके घर वालों की और तमाम सहाबा की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर हमारा पूरा दीन इन्हीं पर दायर है। इन्होंने जो किया वैसा करना और कराना है, बस वैसा करना और कराना है, इन्हीं पर पूरा दीन और शरीयत हमारी दायर है। और ख़ास तौर पर इस दौर में जबकि भाइयों दीन शरीयत को पूरी तरह से एक तरफ रखने की मुकम्मल तौर पर कोशिशें जारी हैं, और ख़ास तौर पर मायूब समझा जाता है कि कहीं दाढ़ी टोपी जुब्बा कहीं नज़र आए। असल में ऐसा है कि लोगों में ये बावर कराया गया है कि झूठ को गलत को सच है बोल के इतना बोलो कि सच कहने वाले भी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाए, ऐसा बाहर कराया जा रहा है। और अफसोस उस वक़्त होता है कि वो जैसा बावर करा रहे हैं हम और हमारी नस्लें वो बावर कराने वालों का उनके जैसा रहकर उनका साथ दे रहे हैं। कहीं डर की वजह से, कहीं खौफ की वजह से और कहीं हालात की वजह से उनका साथ दे रहे हैं। हालांकि हमने अपने तकदीर पर ईमान लाए हैं और हमें ईमान और यकीन है हमारा मजबूत, दुनिया की कोई ताकत उस वक्त तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जबकि अल्लाह का हुक्म इशारा उसको ना हो जाए। कोई कुछ नहीं कर सकता है। बचाने पर आए तो अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े तूफानों से हिफाजत फरमा देते हैं, नुकसान पहुंचाने पर आए तो मामूली चूंटियों के जरिए से बड़े बड़े नुकसान पहुंचाने पर अल्लाह कादिर है। इसीलिए देखो ना, पैदा होते ही जहन इतना मजबूत बनाया गया, खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, मेरे अब से लेकर मेरे मौत तक जो कुछ मेरे साथ अच्छा बुरा होने वाला है होगा और हो रहा है मिनल्लाहि तआला। सब बोलो किसके तरफ से? अल्लाह की तरफ से हो रहा है। बस बात खत्म हो गई। जब अल्लाह की तरफ से हो रहा है तो ये रोड़ों के कीड़े मकोड़े हमारा क्या बिगाड़ने वाले हैं। कितना एक सुकून मिलता है ये जुमले अगर आ गए तो। लेकिन हमने कीड़े मकोड़ों पर तो यकीन रखा, अल्लाह के बोल पे यकीन नहीं रख रहे हैं, नुकसान वहां हो रहा है। हमारे पास ये सारे ताकतों की हैसियत इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हजरत जी हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक मकोला, यानी अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी, अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी और ये सारी मखलूकात अल्लाह के सामने कैसी है, आप ध्यान से सुनो इसको। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह का ये मकोला पढ़ा था, बड़ा यानी बड़ी अल्लाह की कुदरत पर वो दलालत करता है। हजरत फरमाते थे ये पूरी दुनिया पूरी कायनात
इसमें के सबसे बड़े बड़े बादशाह, सुदूर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, और ये और इनकी पूरी हुकूमतें और इनकी पूरी फौजें और पूरा फोर्सेस, और फिर ये पूरी दुनिया अल्लाह के सामने कैसी है उसको उन्होंने समझाते हुए कहा। उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक औरत, आपने देखा होगा अब तो वो चीज़ें नज़र नहीं आती है लेकिन बकसरत पहले रही है, वो ऐसे कि औरत उसके हाथ में सूप, सूप बोलते थे उसे पटकने के लिए, नहीं समझे आप, उसके अंदर जवार, बाजरा, गेहूँ, धूल मट्टी सब दूर करने के लिए सूप तो बोला जाता था उसको एक आम अल्फाज में, वो सूप उसके हाथ में है, उसके अंदर अब जवार है, बाजरा है, गेहूँ है। अब ये औरत ये है कि जितना वो जो है उसमें अनाज ले रही है और अनाज लेकर सूप में अनाज लेकर उसकी सफाई करनी है, तो सफाई करने के लिए अंदर ले रही है, तो वो देखो आपने बारहा देखा होगा, वो उसको सफाई के लिए जब पटकती ऊपर उठाकर उछालती है पूरा अनाज ऊपर जाता है और फिर अंदर आकर बैठ जाता है। अब ये अंदर आने के बाद जितना भूसा धूल वगैरह होती वो सब के सब ऊपर आ गया, तो ऊपर आने के बाद अब उसका जब ये हिस्सा हो जाता है तो होठों से फूंक कर वो उसको उड़ा देती है, नहीं देखा आपने, ये उड़ा देती है। हजरत फरमाते थे कि ये पूरी जमीन, पूरी जमीन एक सूप है जो अल्लाह के हाथ में है, और ये पूरे सुदूर वजीर आजम और वजीर आजम बादशाह जितने जमीन में है इनके पूरे लवाजमात और फौज फोर्सेस और फौजों के साथ वो सूप में है। अल्लाह इसको जितना चाहे उछालता है, जितना चाहे गिराता है, और जिसको चाहे वो धूल की तरफ फूंक कर उसको बाहर फेंक देता है। अल्लाह की कुदरत, ऐसे बड़े कुदरत वाले अल्लाह है। तो ये तो सूप में जमा है अल्लाह के, जिस दाने को कंकर कंकर नजर आया तो वो जैसे जिसको चाहे उठा के जहां चाहे फेंक दे, अल्लाह जिस बड़े से बड़े होने वाले को वो कंकर की तरह उठा के जिधर चाहे फेंकने पर अल्लाह कादिर है। सूप में क्या हैसियत कंकरों की भाई, नहीं समझ रहे आप, लेकिन ऐसा यकीन बने हमारा कि हमारा अल्लाह है, बहुत बड़ी कुदरत वाले अल्लाह है, इस पर ईमान यकीन होना चाहिए। माने भी तो है ना माने भी तो है ये और बात है, हमारा यकीन नहीं बन रहा बल्कि अपन नुकसान उठा रहे हैं, वरना अल्लाह तो अपनी शान के मुआफिक बड़ी कुदरत वाला है। तो मुतासिर नहीं होने का भाइयों, हम अपना नहज, अपना तरीका, अपने उसूल, अपना दीन, अपनी शरीयत बिल्कुल पहाड़ की तरह मजबूती के साथ हर हाल में उस पर जमे रहेंगे इंशाअल्लाह। मौत आए तो मरेंगे, शहीद हो जाएंगे, जिएंगे तो अमल करेंगे, ये आज से थोड़ी है। लेकिन मुतासिर होना, दीन ईमान को कमजोर करना, सुन्नत दीन शरीयत को छोड़ देना, ये बहुत घटिया बात है। ऐसे हम वहम परस्त कौम नहीं है और कौमों की तरह के मामूली मामूली बातों से ढीले हो जाए और अपने तौर तरीक़ों और दीन शरीयत को छोड़ रहे हो। अल्लाह ताला अपने फजल से सुन्नत शरीयत के मुताबिक हम सबको अपनी अमली ज़िंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। नफ्स, शैतान, ओहदे कुर्सियों के डर से अल्लाह हमारी भरपूर इबादत फरमाए। ये सब चीज़ों का खौफ और डर अल्लाह हम सब के दिल से निकाल कर सुन्नत शरीयत पर अमल करके इसे ज़िंदा करने वाला मर्द मुजाहिद हम में से हर एक को बनाने के अल्लाह फैसले फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।